हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं एक मूवी के ट्रेलर को, जो है द बोझ द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी का ट्रेलर, जिसमें है अजय देवगन सर, संजय दत्त सर, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेही, ये सब स्टार कास्ट में होने वाले हैं। एंड ये एक रियल इवेंट्स पे होने वाली है मूवी, तो इसका इसीलिए बेसब्री से इंतज़ार है सब लोगों को कि कब इसका ट्रेलर आए, इंतज़ार था। एंड मूवी का भी बेसब्री से इंतज़ार है। तो ट्रेलर से कुछ आइडिया तो हो ही जाता है कि किस तरह की होने वाली है। वैसे रियल इवेंट्स पे तो सब लोगों को पता है स्टोरी, बट किस तरह से प्रेजेंट की गई है, किस तरह से उसको दिखाया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का जो हमारे रियल हीरोज़ होते हैं वो कहीं पर छिप जाते हैं इस तरह की मूवीज़ से, वो सामने आते हैं, उनके बारे में हमें बहुत कम पता होता है, जबकि बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। तो मूवीज़ से हमें उनके बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है, एंड इस मूवी की जो खासियत होने वाली है मुझे लगता है अजय देवगन सर होने वाले। तो ट्रेलर देखते हैं पहले, बाद में करेंगे उसके बारे में बात है। तो स्टार्ट कर देते हैं ट्रेलर। एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। हमने चुने कुछ अलग ही रास्ते, गई तो गई। पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, मराठा सिर्फ तो ये बात जानता है, मारना या मरना। कबीरा, क्यों जंग का ऐलान है? आज खुदा खुद परेशान। भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम। अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल प्यार की निशानी है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कार्णिक रनवे रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। या खुदा, तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। वाओ, तो ट्रेलर की मैं बात करूं, बहुत धमाकेदार ट्रेलर दिया है। और सबसे अच्छी मुझे लगी अजय देवगन सर की एक्टिंग, एंड जो मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग एंड बहुत धमाकेदार जो है वो दिए हैं। डायलॉग्स बहुत ज़्यादा दिए हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ दिए हैं। मतलब जब सुनते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा सा जोश अंदर से आता है इस तरह के डायलॉग्स हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक है, मतलब इसमें ना
बहुत अच्छी एक्टिंग सभी की दिखाई है, लेकिन जो बेस्ट एक्टिंग, जो कि आप लोगों को पता भी होगा, मतलब जहाँ भी अजय देवगन सर की एक्टिंग होती है इस तरह की मूवीज़ में, एक मतलब अलग ही फीलिंग आती है। ऐसे जो कैरेक्टर जो हैं वो अगर अजय देवगन सर करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उनके फेस से जो मतलब डायलॉग्स उनके जो होते हैं ना, बहुत मतलब जिस तरह से वो बोलते हैं बहुत मस्त होते हैं। एंड मतलब एक्टिंग बाकी सबकी भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से दिखाई, डायलॉग मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगे, मतलब हर डायलॉग में एक अलग ही फीलिंग है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक एक सीन, वैसे ये रियल इवेंट्स पे है जो 1971 में गुजरात में हुआ था बुज पे, तो उसकी जो हम मतलब वो जीत थी उसके ऊपर दिखाया कि किस तरह से कितनी मतलब प्रॉब्लम्स आई थी उनके, जो मतलब उन्होंने किस तरह से वो फेस किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम कभी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं और भूल जाते हैं, जबकि भूलनी नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मतलब सामने आनी चाहिए, जो ऐसे रियल हीरोज़ होते हैं उनकी जो चीज़ें हैं, बट वो हम लोगों को उतनी नहीं पता होती, तो मूवी से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो ट्रेलर से काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि किस तरह के सीन्स, लेकिन सीन्स बहुत अच्छे दिखाए हैं, जो मतलब वॉइस है वो बहुत अच्छी है, जिस तरह से चीज़ों को बताया जा रहा है ना ट्रेलर में, एंड में आप देखेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत मज़ा आया। संजय दत्त सर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, एंड अजय देवगन सर की तो बेस्ट है, दोनों ने बहुत अच्छे वो किए हैं। वैसे जो हैं सोनाक्षी सिन्हा, उनकी भी ठीक मतलब सही है, अच्छी है, बट इन दोनों की मुझे बहुत बेस्ट लगी, और ये आई थिंक इस मूवी में जान डालने वाले हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ट्रेलर बहुत मस्त आ रहा है, आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा होगा और वेट होगा आपको इसका, मूवी का। और आई थिंक ये मूवी वैसे आप आती है हॉट स्टार पे आ रही है, बट ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, अभी मूवीज़ लेट भी हो रही हैं लेकिन फिर भी ऐसे ही आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, आगे इन फ्यूचर मतलब चेंजेस होंगे। तो भी ट्रेलर बहुत मस्त आ रहा है, होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा जोश आया होगा देखने के बाद। तो कैसा लगा है ट्रेलर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगी आपसे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, एंड सी यू, टेक केयर, बाय।